डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बांसू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर डाई एथिल ईथर है वो चार प्रकार के अभिक्रियाएं देता है, जिसमें आपने चारों प्रकारों की बात कर ली थी पॉइंटों के रूप में। पहला पॉइंट डलवा दिया था मैंने, एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहां से पहला पॉइंट कौन सा पढ़ेंगे, उसमें टॉपिक रहेगा एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और उसके अंदर पहला पॉइंट पढ़ेंगे अपन ए में हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण में क्या होता है कि जो डाई एथिल ईथर है उस डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया क्लोरीन एवं ब्रोमीन के साथ गर्म करके करवाई जाएगी। तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन जो परमाणु है डाई एथिल ईथर के वो क्लोरीन ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, इसे कहा जाता है हैलोजनीकरण। और ये जो हैलोजनीकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है, अंधेरे में हैलोजनीकरण होता है तो क्या होता है, और एक प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण होता है तो क्या होता है। तो पहली बात कर लेता हूं यहां पे अंधेरे में हैलोजनीकरण, इसके अंदर बात किसकी कर रहे हैं, अंधेरे में हैलोजनीकरण, यानी कि डाई एथिल ईथर है CH3CH2O CH2CH3, यानी डाई एथिल ईथर है इसको क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ Cl2 या Br2, यानी कह सकता हूं X2 ले सकता हूं, X2 यहां पे हैलोजन है और हैलोजन के रूप में आप FCl भी आ रहे हैं, जो भी है वो भी ले सकते हैं। X2 के रूप में किलो Cl2 ले या फिर Br2, यानी डाई एथिल ईथर की अभी डाई एथिल ईथर, यानी डाई एथिल ईथर को भाई हैलोजनीकरण करवाना है, कहां पे हो रहा है, अंधेरे में, अंधेरे में। डाई एथिल ईथर का हैलोजनीकरण अंधेरे में करवाया जाता है तो इसकी जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है वो हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, अल्फा डाई हेलो ईथर बन जाता है। यानी क्या करना है, ऑक्सीजन परमाणु के पास वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन कहलाएगा, इस पर जुड़ने वाले जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां का H निकल जाएगा, यहां से देखो यहां से Cl2 जाएगा, देखो एक H एक HCl मिलकर HCl बाहर निकल जाएगा, दूसरा X कहां पे जाएगा, यहां तो कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH, माने कि Cl2 के साथ करवा रहे हैं, X के रूप में कुछ भी हो सकता है, जैसे पहला X यहाँ पे जोड़ा XO, फिर आगे वाला ऐसे कैसे CH2CH3, फिर आपने वापस हैलोजनीकरण करवाया, X2 है डार्क पोजीशन है अंधेरे में, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये वाली भी चली जाएगी क्योंकि ये अल्फा है, ये अल्फा, तो ये क्या कहलाएगा अल्फा डैश, तो ये भी तो है अल्फा, तो यहां से एक बार यहां से निकाल दी, अब यहां से निकाल दो, यहां से जैसे निकालेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा आपका CH3CHX, ये O CHXCH3, यानी अल्फा है ये, तो अल्फा था और ये क्या अल्फा डैश, अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो ईथर बन जाता है, अल्फा कोमा अल्फा डैश हाइफन डाई हेलो डाई एथिल ईथर बन जाता है, अल्फा अल्फा डैश डाई एलो ईथर बन जाता है। यानी यहां पे क्या लिख रखा है कि डाई एथिल ईथर का हैलोजनीकरण अंधेरे में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करके कराया जाता है, तो अल्फा अल्फा डैश डाई एलो ईथर बन जाता है। यदि आपने हैलोजनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में करवाया, प्रकाश में हैलोजनीकरण, अब प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण करवाया, तो यहां देखिए सारी अल्फा बीटा गामा जो भी एच है डाई एथिल ईथर की, वो किसके द्वारा रिप्लेस हो जाती है, हैलोजन परमाणु के द्वारा रिप्लेस हो जाती है और वहां पे बन जाता है पर क्लोरोडाई एथिल ईथर बन जाता है, क्या बन जाएगा वहां से, पर क्लोरोडाई एथिल ईथर। तो देखो यहां से CH3CH2O CH2CH3, इसका हैलोजनीकरण करवा रहे, एरो पर मैंने लिखा Cl2 का जुड़ना हैलोजनीकरण,
किसकी प्रेजेंस में प्रकाश की उपस्थिति हो, यानी प्रकाश का मतलब यहां पे कह सकता है फोटोलाइटिक कंडीशन। तो यहां से देखो 3, 2, 5, 2, 7 और 3, 10 10 हाइड्रोजन निकलेंगी और वहां पे क्या आ जाएगी 10 Cl आ जाएंगे, यानी कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CCl3 CCl2O CCl2 CCl3 पर क्लोरो डाइएथिल ईथर बन जाता है। इस यौगिक का नाम क्या है, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बन जाता है। तो यानी ये है आपका हेलोजनीकरण। तो क्लियर है, हेलोजनीकरण जो है डाई एथिल ईथर का दो प्रकार से हो रहा है, एक अंधेरे में और एक प्रकाश की उपस्थिति। यदि डाई एथिल ईथर का हेलोजनीकरण आप अंधेरे में करवाते हैं तो इसकी जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है वो हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगी। कौन सा यौगिक बन जाएगा, अल्फा अल्फा डाई हेलो ईथर बन जाता है। यदि आपने हेलोजनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में करवाया तो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि डाई एथिल ईथर का हेलोजनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ करवाया जाता है। तो इसकी जो सभी हाइड्रोजन परमाणु है अल्फा बीटा जो भी है वो किसके द्वारा रिप्लेस हो जाती है, क्लोरीन परमाणु के द्वारा रिप्लेस हो जाती है। कौन सा यौगिक बन जाता है, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बन जाता है, ये कहलाता है डाई एथिल ईथर का हेलोजनीकरण। इसके बाद में नंबर टू टाइप्स की रिएक्शन पढ़ेंगे, ईथर क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया। नंबर टू पे बात कर रहे हैं ईथर क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया। सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं ईथर, नंबर टू ईथर क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर के कारण अभिक्रिया। नंबर टू टाइप्स की जो रिएक्शन बताई थी ईथर क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर के कारण अभिक्रिया, जिसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे उसमें परोक्साइड का बचाव, परोक्साइड का बनना क्या होता है, यहां से परोक्साइड कैसे बनता है कि जो डाइएथिल ईथर है उसको वायु की ऑक्सीजन या ओजोन के साथ प्रवाहित किया जाएगा तो वहां से किसका निर्माण हो जाएगा, परोक्साइड का। देखिए CH3 CH2O CH2 CH3 डाइएथिल ईथर, इसको वायु की ऑक्सीजन O2 या O3 के साथ उपस्थिति में यहां से क्या करवा रहे हैं, इसको अभिकर्त करवाते हैं, तो यहां से क्या बनता है परोक्साइड CH3 CH2O CH2 CH3। तो यहां का जो ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है, लोन पेयर इस ऑक्सीजन को यहां से एक्सेप्ट करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म में यहां से क्या बना लेता है परोक्साइड, क्या बन जाएगा यहां से परोक्साइड। तो यहां से पॉइंट ये लिख रखा है कि डाइएथिल ईथर को वायु की ऑक्सीजन या ओजोन के साथ प्रवाहित किया जाता है तो क्या बन जाता है, परोक्साइड बन जाता है। अब यहां से नोट डाल लीजिए, अब क्या करें, यहां पे डाइएथिल ईथर है इसको वायु में वायु की ऑक्सीजन में यानी लंबे समय तक इसको खुला पड़ा रहने दें तो इसका क्या होने लग जाएगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा और एक विस्फोटक प्रकृति का यौगिक बनाता है। कैसे बनाता है, देखो सेल्फ ऑक्सीडेशन में कि आपने इसका डाइएथिल ईथर है CH3 CH2O CH2 CH3 ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपने क्या कर दिया, इसको लॉन्ग टाइम तक खुला छोड़ दिया, लंबे समय तक। इसका क्या होने लग जाएगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा तो क्या बन जाएगा यहां से यौगिक CH3 CH2 यहां पे O ये CH यहां का OOH ये वाला कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2O। ऐसे कैसे, यहां का जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ किस फॉर्म में जुड़ जाएगा, यहां से परोक्साइड फॉर्म में O सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि इसके रेफरेंस में देखिए ये वाला जो ग्रुप है वो क्या है, 1-ethoxy एथिल हाइड्रोपरोक्साइड बन जाता है। इस यौगिक का नाम क्या होता है, 1-ethoxy
वन एथोक्सी, एथिल हाइड्रोपरोक्साइड, एथिल हाइड्रोपरोक्साइड बन जाता है। ये जो वन एथोक्सी एथिल हाइड्रोपरोक्साइड बना है वो कैसा होता है, विस्फोटक प्रकृति का होता है। इसकी जो नेचर होती है एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, विस्फोटक प्रकृति। तो यहां पे क्या ध्यान रखना है कि डाई एथिल ईथर को वायु की उपस्थिति में लंबे समय तक पड़ा रहने दिया जाएगा तो इसका क्या होने लग जाएगा, स्वतः ऑक्सीकरण होने लग जाएगा। तो कौन सा यौगिक बना लेगा, यहां से वन एथोक्सी एथिल हाइड्रोपरोक्साइड यौगिक बनता है जो विस्फोटक प्रकृति का होता है। तो ये है आपका ईथर क्रियात्मक समूह के ऊपर जो ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर होने वाली जो अभिक्रिया थी उसके कारण आपने परोक्साइड का बनना देख लिया। तो यहां से क्लियर है परोक्साइड का बनना। उसमें क्या ध्यान रखना है कि डाई एथिल ईथर को वायु की ऑक्सीजन या ओजोन के साथ प्रभावित किया जाता है, क्या बन जाता है, यहां से परोक्साइड बन जाता है। उसी प्रकार से ध्यान रखना है नोट डाल के कि यदि डाई एथिल ईथर की वाष्प को लंबे समय तक ऑक्सीजन में पड़ा रहने दिया जाएगा तो उसका स्वतः ऑक्सीकरण होने लग जाएगा और वन एथोक्सी एथिल हाइड्रोपरोक्साइड यौगिक बन जाएगा जो विस्फोटक प्रकृति का होता है। इसी में टाइप में दूसरी बात करेंगे ऑक्सोनियम लवण का बनना। इसमें क्या होता है ऑक्सोनियम लवण का बनना, ये तो ए टाइप था परोक्साइड का बनना, इसी में दूसरी बात कर रहे हैं ऑक्सोनियम लवण का बनना। ऑक्सोनियम लवण का बनना नंबर बी चल रहा था, ऑक्सोनियम लवण का बनना। ऑक्सोनियम लवण का बनना ईथर जो है अकार्बनिक अम्लों के साथ, यानी ईथर जो है वो अकार्बनिक अम्लों ब्रांस्टेड लोरी क्षार के समान व्यवहार करने लग जाता है और क्या बनाता है, ऑक्सोनियम लवण बनाता है। ईथर अकार्बनिक अम्लों जैसे ब्रांस्टेड लोरी क्षार के समान व्यवहार करने लग जाता है और क्या बनाने लग जाता है, वहां से ऑक्सोनियम लवण बनाने लग जाता है। कैसे बनाता है ऑक्सोनियम लवण, डाइएथिल ईथर है यहां से CH2CH2O डाइएथिल ईथर है, जब इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर दिया जाएगा तो यहां से क्या बनाएगा, ऑक्सोनियम लवण बनाएगा और ये ऑक्सोनियम जो लवण है वो अंत में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे, भाई ईथर जो है अकार्बनिक अम्लों के साथ, भाई ईथर जो लवण है अकार्बनिक अम्लों जैसे ब्रांस्टेड लोरी क्षार जो है उसके समान व्यवहार करने लग जाएगा, ऑक्सोनियम लवण बनाएगा। इसमें डाइएथिल ईथर को क्या किया जाएगा, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म कर दिया जाएगा तो पहले ऑक्सोनियम लवण बनाएगा और अंत में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगा। किस प्रकार होता है देखिए, डाइएथिल ईथर है लोन पेयर के कारण अभिक्रिया चल रही, इसको मैं क्या कर दूं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ मैं क्या कर दूं, यहां से गर्म कर दूं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको मैं गर्म करूंगा, गर्म करूंगा तो यहां पे देखो ये कैसे टूट जाएगा, यहां का H+ अम्ल है तो H+ HSO4 के रूप में बाहर निकल जाएगा तो नॉन पेयर इसको डोनेट करेगा तो यहां से क्या बनाएगा, यहां से CH3CH2, जैसे ये नॉन पेयर इसको देगा H+ यहां पे टूट जाएगा H+ HSO4-, तो यहां पे ऑक्सीजन जब अपना लोन पेयर देगा तो हाइड्रोजन इसके ऊपर जुड़ जाएगा, यहां पे क्या जाएगा प्लस, अगले वाला मॉलिक्यूल सेम रह जाएगा CH2CH3। अब देखें, अब यहां से जब H निकल चुका है, यहां पे ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन दिया है, इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन की कमी दिखा दे, बच के जाएगा यहां पे HSO4-, ऑक्सीजन पर जब प्लस आ जाता है तो उस यौगिक का, ऑक्सीजन पर जब प्लस आ जाता है तो उस लवण का आयन का जो नाम है वो क्या होता है, ऑक्सोनियम आयन, ठीक है, बन जाएगा आपका ऑक्सोनियम आयन बनता है। अब यहां से क्या करता है, ये ऑक्सोनियम जो आयन है क्योंकि एक्सिस में आपने क्या लिख रखा है H2SO4 कैसे टूट जाता है, यहां से रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू,
SO3 प्लस HSO4 माइनस प्लस S3O+। देखिए भाई HSO4 की दो मोल है, वो आपस में अभिकर्ष होते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं SO3 प्लस HSO4 माइनस प्लस S3O+। तो देखो यहां से टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, चार हैं, 1 और 3 4। इसी प्रकार से यहां पे टोटल सल्फर कितने हैं, 2 1 2। ऑक्सीजन 4 2 8 3 4 7 और 1 8, इन टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 8। इसी प्रकार से 2s+4 बैलेंसिंग है, यहां पे SO3 HSO4 माइनस S3O+ के अंदर टूटे जाते हैं। अब यहां से क्या होता है, तो ऑक्सोनियम जो लवण है, क्या बना था ऑक्सोनियम लवण के रूप में CH2, यहां से O, ये H, यहां पे क्या है प्लस, ये CH2 CH3, ये क्या काम करता है, SO3 के साथ क्रिया करता है, SO3 के साथ क्रिया करेगा, तो यहां से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है इस हाइड्रोजन पे जाके जुड़ जाएगा, SO3 H में कन्वर्ट हो जाता है, क्या बन जाएगा यहां से CH3 CH2, यहां पे ऑक्सीजन ऐसे कैसे, ऊपर वाला भी ऐसे कैसे CH2 CH3, यहां पे क्या है प्लस, ये जो H और यहां का SO3 मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, SO3 H में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है यहां। अब क्या होता है, जैसे वो मॉलिक्यूल्स बनता है वहां से CH3 CH2 O प्लस SO3H CH2 CH3, ये आगे अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो है स्टेबल होने के लिए यहां से बॉन्ड तोड़ता है, तोड़ेगा तो यहां पे क्या आएगा माइनस, इस कार्बन पे क्या जाएगा प्लस, देखो इस कैसे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा ये कार्बन कैटायन के रूप में, यहां पे बन जाएगा CH3 CH2 प्लस, और ये जो कंपाउंड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो CH3 CH2H5 और H S तीन ऑक्सीजन हो रही है HSO4, मैं इस यौगिक को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो CH3 CH2 HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकता हूं इसको, क्या बन जाएगा यहां से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। अब यहां से जो एथिल कार्बन कैटायन जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करता है, CH3 CH2 प्लस, ये जो बचा हुआ है HSO4 माइनस है इसके साथ क्रिया करता है HSO4 माइनस, तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी CH3 CH2 HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, यहां से भी क्या बन जाएगा, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। तो यानी कि यहां पे क्या लिख रखा है कि जो ऑक्सोनियम लवण का बनना डाई एथिल ईथर जो है वो अकार्बनिक अम्लों जैसे ब्रांच स्टेट लोरी क्षार के समान व्यवहार करता है, क्या बनाता है ऑक्सोनियम लवण बनाता है। अब यानी कि डाई एथिल ईथर को क्या कर दिया जाए, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म कर दिया जाए, तो पहले तो क्या बनाएगा, ये ऑक्सोनियम लवण बनाता है, आयन बनता है, जो अंत में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है, किस प्रकार होता है, इस प्रकार से। यानी कि इसमें ध्यान रखना है, यानी इसकी अभिक्रिया अब डाई एथिल ईथर है उसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ करवाई, CH3 CH2O CH2 CH3 डाई एथिल ईथर है, इसके ऊपर क्या है यहां पे दो लोन पे, जैसे इसे HCl के साथ अभिकर्ष करवा दिया जाए, देखो यहां से क्या करेगा डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स को मैं कैसे शो कर सकता हूं, यहां से ये यहां से टूट जाएगा एज ए प्लस सीएल माइनस लोन पेयर देगा तो इसको ले लेगा, ये कंपाउंड यहां से क्या बनाएगा CH3 CH2O यहां पे CH3 CH2 ये ऑक्स यहां पे क्या जुड़ जाएगा आपका H प्लस ऑक्सीजन पे के? इस पूरे मॉलिक्यूल पे मैं क्या दिखा सकता हूं प्लस और यहां पे क्या आएगा Cl माइनस एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड बोल सकता हूं क्या भाई ऑक्सीजन है इसमें क्या है प्लस ग्रुप कौन सा है एथिल ऑक्सोनियम और ये क्या है क्लोराइड यौगिक का नाम हो जाएगा एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड बन जाता है क्या बन जाएगा यहां से एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड बन जाता है। अब यदि यहां पे नोट डाल के इंपॉर्टेंट लाइन है यदि डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों के साथ करवाई जाती है बोरोन ट्राइक्लोराइड इथरेट बनाता है
वो भी क्या होता है, एक ऑक्सोनियम लवण का निर्माण करते हुए बनाता है। देखो यहां से डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों जैसे BF3 के साथ करवाई जाती है तो बोरोन ट्राई क्लोराइड ईथरेट बन जाता है। क्या बन जाएगा यहां से, यहां से नेक्स्ट पॉइंट है CH3CH2O, इसकी अभिक्रिया जैसे ही आपने BF3 के साथ करवाओगे तो यहां से क्या हो जाएगा CH3CH2, ऐसे कैसे और यहां से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड थ्रू क्या जुड़ जाएगा, BF3 पे क्या आएगा माइनस, यहां पे प्लस। ये वाला जो यौगिक बनेगा इसको बोलते हैं बोरोन ट्राइक्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड, और इस यौगिक का नाम है ईथरेट। कौन सा यौगिक बन जाएगा, बोरोन ट्राइक्लोराइड ईथरेट बन जाता है, बोरोन ट्राइक्लोराइड ईथरेट बन जाता है। तो यहां से ये लिख रखा है ऑक्सोनियम लवण, यानी डाइएथिल ईथर की अभिक्रिया HCl के साथ करवाई जाए तो एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड बनता है, और डाइएथिल ईथर की अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक BF3 के साथ करवाई जाए बोरोन ट्राइक्लोराइड ईथरेट बन जाता है। तो ये है ऑक्सीजन समूह की क्रियात्मक समूह जो है, ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह का जो लोन पेयर है उसके कारण होने वाली अभिक्रिया। नेक्स्ट थर्ड टाइप पढ़ेंगे CO आबंध विखंडन की अभिक्रिया। CO आबंध विखंडन की अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए नेक्स्ट टाइप में बात कर रहे हैं CO आबंध विखंडन की अभिक्रिया। दो टाइप पढ़ चुके हैं, तीसरा टाइप चल रहा है डाइएथिल ईथर के रासायनिक गुणधर्मों में CO आबंध विखंडन की अभिक्रिया। नेक्स्ट सी टाइप पे चल रही है CO आबंध विखंडन की अभिक्रिया, CO आबंध विखंडन की अभिक्रिया जिसमें पहली बात कर रहा हूं मैं जल अपघटन, जल अपघटन। जल अपघटन में क्या होता है, डाइएथिल ईथर जो है उसका जल अपघटन तनु H2SO4 की उपस्थिति में उच्च दाब पर करवाना है, एल्कोहल बन जाएगा। देखो यहां पे जल अपघटन में क्या होता है, CH3CH2OCH2CH3, इसका क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है HOH वाटर मॉलिक्यूल के साथ, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तनु H2SO4 की उपस्थिति में उच्च दाब पे, उच्च दाब। जैसे यहां से जल अपघटन कराएगी एज ए प्लस, यहां पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, देखो प्लस पे क्या जोड़ दो आप OH, तो C2H5OH, इधर से भी क्या बन जाएगा C2H5OH, यानी कि डबल मोल क्या बन जाएगा यहाँ पे, एथेनॉल बन जाएगा C2H5OH, एथेनॉल। यानी आपने डाइएथिल ईथर है इसका जल अपघटन किसकी प्रेजेंस में करवाया, तनु H2SO4 की उपस्थिति में हाई प्रेशर पे क्या बना, एथेनॉल। तो यहाँ पे ये लिख रखा है कि डाइएथिल ईथर का जल अपघटन तनु H2SO4 की उपस्थिति में उच्च दाब पर करवाया जाता है तो एथेनॉल बन जाता है। इसी प्रकार से बात नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात कर रहे हैं, नंबर 2 टाइप में रिडक्शन अपचयन, अपचयन टू प्रकार से करेंगे, एक बार द्रवित अमोनिया में सोडियम के साथ लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में। तो पहली बात कर लेता हूं द्रवित अमोनिया के साथ CH3CH2OCH2CH3, डाई एथिल ईथर का हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन। किसमें करवा रहे हैं, द्रवित अमोनिया में, द्रवित NH3 सोडियम के साथ। जैसे ही करवाऊंगा तो देखो यहां से रिडक्स यहां से टूट जाएगा, एक H इधर जुड़ जाएगी और दूसरा H इधर, 2H में से एक इधर जुड़ूंगा तो ये कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3CH2OH, और ये क्या बन जाएगा आपका एल्केन के रूप में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बन जाएगा यहां से एथेन बन जाएगा, ये तो कंपाउंड बन जाएगा आपका एथेन और ये बन जाएगा आपका एथेन। यहां से दूसरे पॉइंट पे लिख रखा है अपचयन में कि डाइएथिल ईथर का अपचयन द्रवित अमोनिया में सोडियम के साथ कराया जाता है तो एथेनॉल व एथेन बन जाता है। क्लियर है, अपचयन में पहला पॉइंट कि डाइएथिल ईथर का अपचयन द्रवित अमोनिया में सोडियम के साथ कराया जाता है क्या बन जाता है, एथेनॉल व एथेन बन जाता है। लेकिन यहां पे दूसरी
स्थिति के अंदर यहां पे बात करें, यदि डाई एथिल ईथर का अपचय CH3CH2OCH2CH3 डाई एथिल ईथर है और उसका जो अपचयन है आपने 4H के साथ रेड फास्फोरस और HI की उपस्थिति में आपने अभिकृत करवाया, तो ध्यान रखना यहां से एक H इधर जुड़ जाएगी, दूसरा यहां से बॉन्ड टूटेगा, तो ये कंपाउंड किसमें एल्केन में दो एक ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे, तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा आपका जल, तो ये बन जाएगा आपका CH3 भाई, यहां पे CH2 और एक H इधर गई, ये किसमें कन्वर्ट हो गया CH3, इधर से भी H, तो ये दोनों मोल सेम बन एथेन बन जाएगी और यहां से बाहर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका एथेन जल। तो अपचयन में क्लियर है कि डाइएथिल ईथर का अपचयन, डाइएथिल ईथर का अपचयन लाल फास्फोरस में HI की उपस्थिति में कराया जाता है, एथेन में जल बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी।